नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू जीके टेस्ट सेट पेपर और ये सीरीज आज से ब्रांड न्यू शुरू हुई है हर दिन की सीरीज़ का नंबर आपको मिलेगा तो अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मॉर्निंग में रोज़ सुबह साढ़े छः बजे से और रात में नौ बजे से हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है तो आप फ्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर शेयर करिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टेस्ट सेट पेपर शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं मिलिंद पनहो क्या है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपने कई एग्जाम्स में देखा है प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है तो मिलिंद पनहो क्या है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह एक बौद्ध पाठ है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पनहो एक प्रकार से बौद्ध पाठ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न है चरक किसके राज चिकित्सक थे जी हाँ दोस्तों चरक किसके राज चिकित्सक चिकित्सक थे तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था वह कौन सा कुशाण शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म को लेकर काफी ज्यादा सजग था उसको बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा जा सकता है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था तो प्राचीन काल में कलिंग प्रदेश का महान शासक इनमें से कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा खारवेल खारवेल प्राचीन काल में कलिंग के एक महान शासक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ विद्यालय या स्थल कौन सा है तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ इन चारों ऑप्शन में तक्षशिला है तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है जो कि मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित किया गया था राइट right आंसर हो जाएगा तक्षशिला। जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था राइट आंसर है।, तो right right है इस पर एक मूवी भी है अगर आपने नहीं है तो जरूर देखिएगा आपको गौतमी पुत्र के बारे में काफी जानकारी मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला प्रश्न है विश्व में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था तो विश्व में पहली बार किसान दिवस मनाया गया था 1936 में ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी हैं गांधी जी किसको फॉलो करते थे किसको मानते थे और अपनाने की सलाह देते थे तो आप सभी को इसका आंसर पता ही है गांधी जी जो हैं सत्य और अहिंसा को सबसे ज्यादा मानते थे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस गांधी जी के प्रमुख हथियार भी थे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला प्रश्न है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है राइट right आंसर क्या हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है तो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा संविधान की धारा तीन के तहत संकल्पित पारित करके संकल्प पारित करके कोई भी जो है अखिल भारतीय सेवा जो है वो शुरू की जा सकती है राइट right आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा जो है यह 312 धारा 312 के अंतर्गत पारित करके शुरू की जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला प्रश्न है दादा भाई नोरोजी के अनुसार स्वराज का मुख्य अर्थ क्या था दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन अपना शासन वही स्वराज है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है आप सभी को पता है सबके नाम उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश हमारे भारतीय राज्य है और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उन्नीस उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और दोस्तों सबसे ज्यादा किसके साथ करता है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं

जो है अंग नहीं है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्यासी परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है तो दुनिया का सबसे बड़ा संसद चीन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी संख्या है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पंद्रह है राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न है, है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है राइट right आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है तो समाजवाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद निहित है इसलिए यह चुनौती पैदा नहीं कर सकता है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है तो केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक के रूप में देखा जा सकता है निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासक करते थे यानी कि चोल वंश का शासन भारत के किस राज्य में था तो भारत का दक्षिणी भारत जो था चोल वंश भारत के दक्षिणी भाग पर शासन किए हैं अधिकतर स्थानों पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था तो लंका को सिंहल के नाम से भी जाना जाता है तो लंका को सबसे पहले राजा राज प्रथम ने जीता था ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंश के शासन के दौरान हुआ था अगला प्रश्न है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर है तो धर्मराज रथ स्मारक यह महाबलीपुरम में है इसे रथ जो ये रथ जो है धर्मजा धर्मराज रथ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो है किससे संबंधित है तो उसको हम धर्मराज रथ के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में हेनसांग भारत आया था ये हमेशा पूछा जाने वाला जीके का क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था तो अकबर तेरह वर्ष की आयु में सम्राट बना था आप सभी को पता है कि उसके युवा अवस्था तक उसके लिए एक संरक्षक का का काम किया था उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट करके बताइए देखते हैं जीके कितना स्ट्रांग है अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयागराज को अलाहाबाद नाम किसने दिया था प्रयागराज को अलाहाबाद नाम किसने दिया था तो अकबर ने प्रयागराज को अलाहाबाद नाम दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है तो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था तो प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया था ऑप्शन नंबर एक बार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का सेट कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइव क्लास में जरूर जरूर जुड़े आप रात में नौ बजे से लाइव क्लास रहेगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद